नमस्कार व्यूअर्स, आज बात करते हैं ठेकेदारी का पहला कदम। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ठेकेदारी करना चाहते हैं तो पहला कदम ठेकेदारी में रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इन कॉन्ट्रैक्टरशिप। यदि आप 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, थोड़े से जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, काम करना आपकी हॉबी है और मेहनत से जीत नहीं चुराते हैं, तो ठेकेदारी बिजनेस से बढ़िया आपके लिए कोई अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। मगर लोगों के मन में एक बड़ा भय बढ़ा हुआ है कि ठेकेदारी बिजनेस में बहुत समस्याएं आती हैं। निश्चित रूप से समस्याएं हर बिजनेस में आती हैं, चाहे आप ठेकेदारी बिजनेस कर लीजिए, चाहे कोई अदर बिजनेस कर लीजिए, हर बिजनेस में समस्याएं आती हैं। क्योंकि यदि समस्याएं नहीं आती तो लोग नौकरी की तरफ नहीं दौड़ते, क्योंकि नौकरी करना बड़ा इजी है। इजी क्यों है कि नौकरी में आपको खुद को अपने दिमाग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। गाड़ी का बैल जैसे चलता है ना, वैसे नौकरी में आग हांकने वाले और होते हैं और वो चलता रहता है। तो यदि आपको घाणी का बैल बनना है तो नौकरी कीजिए, मगर यदि आप बहुत कुछ कमाना चाहते हैं तो बिजनेस कीजिए। और बिजनेस में ठेकेदारी का बिजनेस करने के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया बिजनेस मानता हूं इसमें, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। वक्त का पता नहीं चलता दोस्तों, कब वक्त करवट बदल लेता है और किसके किस सितारे बुलंद हो जाते हैं। आइए, कैसे होते हैं वो सितारे बुलंद मैं बताता हूं आपको। आप साधारण पढ़े लिखे हैं तो आपको अब करना क्या चाहिए, पहला स्टेप आपको ठेकेदारी बिजनेस करने के लिए या ठेकेदारी करने के लिए करना पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए कि आपको कम से कम 2 साल का नॉलेज गोट करना चाहिए। 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में, केवल ठेकेदारी में नहीं, कोई भी बिजनेस आप यदि करना चाहेंगे तो उसमें 2 साल का अनुभव आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को अभ्यस्त बनाता है। और इस अभ्यास के लिए आपको करना क्या चाहिए, आप जहां रहते हैं उसके आसपास, आसपास में क्यों बताता हूं, कारण है उसका, वो कारण आगे मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो आपके आसपास कोई भी डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर या ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे आप निवेदन कीजिए कि सर मैं बेरोजगार हूं, मुझे आप वर्क सिखाना है आपको और मुझे आप सर्विस में रख लीजिए। एज ए सुपरवाइजर आप उनके यहाँ सर्विस में रह सकते हैं। ठेकेदारों के यहाँ सुपरवाइजर रहने के लिए आपको सुपरविजन का सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। यदि आपको, आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, सिविल की कुछ भी नहीं है, तो भी आप ठेकेदार के पास 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं तो बेझिझक चले जाइए और उनसे कहिए कि मैं 10 से 12 घंटे काम करने की औकात रखता हूं। और ऐसी स्थिति में आपको वो सर्विस में रख लेंगे और सुपरविजन का काम शुरू कर देंगे आप। सुपरविजन से मेरा मतलब है वो आपके साइट के ऊपर मटेरियल क्या आता है, कैसे आता है, एक रजिस्टर दे देंगे, आप उसमें मेंटेन करते रहें, कैसे लेबर से काम करवाया जाता है। धीरे 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 आपको अपने जो उनका हेड सुपरवाइजर है उसके अंडर दे देंगे आप, और ऐसी स्थिति में आप सारे काम करने सीख जाएंगे। और जब आप काम करेंगे तो काम करने के लिए आपको ईमानदारी रखनी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ईमानदारी आप रखेंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे ठेकेदार बनने की हैसियत रख सकते हैं। क्योंकि मैंने उन लोगों को कभी ठेकेदार बनते हुए नहीं देखा जो चोरी करना सीखना शुरू कर देते हैं। ठेकेदार वही बनते हैं जिन्होंने ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम किया है लोगों के पास में, और फिर वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे लोग ठेकेदार बनते हैं। आपने सुना होगा ठेकेदार चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, करते होंगे कुछ ठेकेदार, मगर करते हैं वो 3 साल में ही जयराम जी की हो जाती है। तो आपका पहला कदम ये होना चाहिए ठेकेदारी शुरू करने के लिए कि आपको वर्क नॉलेज गोट करना है। और वर्क नॉलेज गोट करने के लिए यदि आप साधारण पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं
बीए में है तो बहुत बढ़िया है, बाकी 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप किसी ठेकेदार के पास सुपरविजन का काम शुरू कर दीजिए, और जब आप 2 साल वर्क आपको करते हुए हो जाएं तो आप दूसरा स्टेप जो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा उस स्टेप पे काम करना शुरू कीजिए। नमस्कार।